खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। अब कितनी मेहनत से आप पाती लाते हैं, कहाँ से लाते हैं? कबरही तरफ से लाते हैं, महोबा के आसपास से, और इधर मध्य प्रदेश से आती है, सतना जिले से। तो आपको कितना पैसा लग जाता है, अब कब तक काटते हैं पाती? कम से कम एक महीना 25 दिन से कम नहीं लगता, जल्दी जल्दी करेंगे तो 25 दिन हो जाएगा, नहीं एक महीना लग जाता है। मैं परिवार सहित जाते हैं, एक दिन की हिम्मत की बात नहीं। तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं खजूर का? जंगल में पड़े हैं, चाहे सांप का चाहे बिच्छू का, करना है तो करना। सब बिना जैसे बिना हवा देता है। हाँ, ये थोड़ी है। ये जो चटाई यहाँ पे बनती है तो कितने लोग बनाते हैं इसको? जो था हमारे बुजुर्ग लोग बनाते थे, वो सयाने जो अपने घर के होते हैं, बाहर से पत्ता लाते हैं काट करके, फिर उसको सुखा करके, उसको बिन के बढ़िया छांट के, और एक पत्ता वो कर करके पूरा सफा करके एकदम से, फिर उसको इसको धीरे धीरे हाथों से बिनते हैं, और बिनने के बाद फिर उसको तैयार करते हैं, तैयार करके फिर उसको मार्केट में बिक्री करते हैं। इस तरीके से बनाते हैं, मतलब एक एक पत्ता इसको जोड़ते हैं। ऐसा ऐसा हाथ में लग जाते हैं कि इतना खून बह जाता है। तेल से काटते हैं, बहुत सी डार जाती, बहुत सी डार वहां से कटी तो वो अपने ऊपर आती है, तो अगर होशियार काटने वाला है तो वही बांस से फिर उसको बगल करता है, नहीं बगल कर पाया तो धड़ा दे आ जाती है। कई आदमियों की आंख फूट गई शिवरामपुर में, कई आदमियों की आंख फूट गई, आंख में इतना इतना कांटा घुस गया भाई। जब आप लोग कूचे बनाते हैं या चटाई बनाते तो उनका कांटा किस तरह से आप लोग बचा के करते हैं? उसे बचाया जाता है, उसको किया जाता है सफाई से। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बने।